हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन क्या होगा। क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यदि किसी माह का यानी किसी मंथ का तीसरा रविवार 23 है, ठीक है, तीसरा रविवार क्या है, 23 है, 23 को यानी क्या है, रविवार है, ठीक है, तो माह का पहला दिन क्या होगा। ठीक है, माह का आपको पहला दिन बताना है क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिखा क्या है कि तीसरा रविवार 23वें दिन है, यानी कि 23वें दिन क्या है, रविवार है। तो आपको पता है अगर 23वें दिन रविवार है तो 7 दिन पहले, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन पहले यानी कि उस दिन क्या होगा, 16 तारीख, 16 तारीख को भी रविवार होगा, ठीक है, 16 को रविवार है, उसके पहले फिर हम लोग देखते हैं यानी कि 9 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है, और उसके पहले यानी कि 2 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है, एक एक हफ्ते का हम लोग पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 23 को रविवार है, 16 को रविवार है, 9 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है, तो पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे कि पहले दिन क्या है, पहला दिन क्या है। आपको पता है जब 2 को रविवार है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले 1 तारीख होगी, और 1 तारीख को क्या होगा, पहले की बात हो रही है, पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो रविवार के पीछे क्या होगा, शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा शनिवार, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया ऐसे टाइम लगा, नहीं तो क्वेश्चन ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सिंपल है, 23 को रविवार था, ठीक है, 16 को रविवार था, 9 तारीख को रविवार था, तो 2 तारीख को रविवार था, तो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को होगा शनिवार, ठीक है, शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है, ठीक है, जो अलग है, आपको ये बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है, ठीक है, 49, 81, 123, 156 एंड 221। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, वर्ग है, 81 जो है 9 का है स्क्वायर, बट इसके बाद नहीं है किसी का भी स्क्वायर, देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा क्वेश्चन, तो सिंपल हम लोग ऑड और इवन से चेक करते हैं, यानी कि सम और विषम से, क्योंकि हमारा पहला मेथड काम नहीं किया। पहला मेथड हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है स्क्वायर या क्यूब, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये लोग स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है किसी संख्या का, तो हम लोग सिंपल सम और विषम से, ऑड और इवन से चेक करते हैं। 49 क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, 81 भी ऑड है, 123 भी ऑड है, 221 भी ऑड है, मगर जो ये 156 है, ठीक है, जो यहाँ पे 156 आपको दिख रहा है, ये जो है इवन है, ठीक है, इवन यानी कि सम है, तो यहाँ पे हमारे यही जो है आंसर हो जाएगा, यही जो है इस श्रेणी के अनुरूप नहीं है, बाकी संख्याएं विषम है यानी कि ऑड है। तो 156 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्वेश्चन इस तरह में, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले शब्द जो यहाँ पे दिए होते हैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। हम लोग फिर से पढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना है। वृत्त यानी कि देखिए वृत्त ये होता है, ठीक है, ये वृत्त है, तो ये जो इसकी साइड वाली लाइनें होती हैं ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, ये वृत्त है, तो ये जो ये चीज़ होती है ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है परिधि। तो उसी प्रकार वर्ग, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला एरिया होता है, ये जो लाइन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। फिर से मैं बता देती हूँ, ये वृत्त है,
वृत्त के इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। इसी तरह जो वर यानी कि जो स्क्वायर होता है, ये आयतन बन गया, एक सेकेंड, हाँ ये स्क्वायर यानी कि जो वर्ग है इसके इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति। ठीक है, परिमिति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एरिया कहलाता है हमारा, ये एरिया हमारा कहलाता है क्या, परिधि, और ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिमिति। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ह्यूमन को किसी कोड भाषा में यानी कि किसी कूट भाषा में NDMXH लिखते हैं तो हम लोग बैंड को कूट भाषा क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले हमको यहाँ पे चेक करना होता है कि यहाँ पे क्या पैटर्न अप्लाई किया गया है, कि यहाँ पे ये आ गया है, फिर उसी सेम पैटर्न पे हम अपना आंसर को पता करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन। देखिए ह्यूमन लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन को कोड भाषा में लिखा गया है NDMXH। ठीक है, तो कैसे लिखा गया है, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे N है, तो उल्टा कर दिया गया है, पहले वाले को उल्टा यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद U है, U की जगह क्या लिखा गया है, U की जगह क्या लिखा गया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीछे वाला आगे कर दिया गया है, यहाँ पे N को आगे कर दिया गया है, तो H की जगह क्या हो गया, N। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ A, एक ए के बाद ए की जगह यहाँ पे लिखा है डी। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, डी, यानी कि बी और सी के बाद क्या आता है, डी, तो यहाँ पे डी लिखा गया है। उसके बाद एम है, एम को यहाँ पे देखिए, एम को एज इट इज़ लिख दिया गया है, सेम टू सेम, तो एम यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है, तो यू को अगर हम लोग, यू के बाद आता है वी और डब्ल्यू, यानी कि दो का गैप है, उसके बाद आता है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया गया है। और उसके बाद क्या लिखा गया है, एन को जो है एज इट इज लिख दिया गया है। मैं आपको इसको फिर से समझाती हूँ, देखिए एन यहाँ पे लिखा गया है, सब ठीक है, सबसे पहले जो पीछे वाला एन सेम टू सेम लिख दिया गया है, एक जगह यहाँ पे लिखा गया है डी। ठीक है, एक जगह डी लिखा गया, यानी कि दो का गैप है बी और सी, तो यहाँ पे डी लिखा गया है। और एम एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया गया है, एम एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया गया है। फिर यू एक की जगह दो का गैप किया गया है, यानी कि वी डब्ल्यू, उसके बाद एक्स आता है, और एच का यहाँ पे सेम टू सेम एच लिख दिया गया है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यही पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा है बैंड, ठीक है, बी ए एन डी। ठीक है, तो बैंड लिखा है, तो यहाँ पे डी एज इट इज लिख देंगे, सेम टू सेम डी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ए के बाद दो का गैप करेंगे हम लोग, ए के बाद दो का गैप, यानी कि ए के बाद बी और सी, उसके बाद क्या आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे, सॉरी एन के बाद क्या आएगा हमारा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, एन डी एज इट इज यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद एन के बाद क्या आया है, एन के बाद आया है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, बी ए एन डी। ठीक है, डी को एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया गया है, और एन के बाद दो का गैप ओ पी, दो का गैप ओ पी के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्यू आएगा, और ए एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया गया है, और बी यानी कि बी के बाद सी और डी, दो का गैप यहाँ पे डी, तो डी क्यू ए डी। ठीक है, डी क्यू ए डी किस ऑप्शन में है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी क्यू ए ई। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बी ए एन डी, यहाँ पे डी सेम टू सेम, फिर दो का गैप क्यू, फिर ए सेम टू सेम, फिर बी के बाद दो का गैप सी डी और ई। ठीक है, वहाँ पे मैंने डी बोल दिया था, यहाँ पे ई होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर को पता करना है, ये मिसिंग नंबर है, इसको आपको यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो इनके साथ कुछ कर दें तो जो हमारा 8 आ जाए, फिर सेम पैटर्न पे इनके साथ कुछ कर दें तो ये आंसर आ जाए, और ये पैटर्न हमारा सेम होना चाहिए। या तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके साथ ऐसा कुछ कर दें क्या किया गया जो 30 आया है, फिर सेम पैटर्न पे हमको इनके साथ कुछ करना होगा, तो और फिर सेम पैटर्न हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देखिए सिंपल, या तो हमें इनको इनको चेक करना है, इनको इनको चेक करना है, अगर हमारा पैटर्न सेम हो जाता है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर
पता करना होगा, या तो हम लोग इनको इनको चेक कर सकते हैं, इनको इनको चेक कर सकते हैं, फिर सेम पैटर्न से हम लोग इनको इनको चेक करके यहाँ का आंसर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3823 को वाले मेथड से करेंगे। क्या करना है देखिए, यहाँ पे है 38 और 23। अगर हम लोग 38 और 23 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 61। मगर यहाँ पे है 30, तो 61 में से 1 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा। अब सेम पैटर्न हमें चेक करना है कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे हम लोग प्लस किया तो 5 + 2 क्या आया, 5 + 2 आया 7। फिर हमने -1 किया है, फिर हमने डिवाइड 2 किया है, फिर डिवाइड 2 यानी कि 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, यहाँ पे पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है। अब हमें सेम पैटर्न से चेक करना है इनको, क्या किया था हमने, हमने 17 और 8 को प्लस करना है, तो प्लस किया तो हमारा क्या आया, 25 आया, 25 में से -1 करना है, फिर इसको डिवाइड करना है 2 से, 25 - 1 = 24, 24 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया हमारा 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 ए में दिख रहा है, 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 12। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है। सिंपल क्या किया गया है, इनको इनको प्लस किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर डिवाइड 2 कर दिया गया है। ठीक है, इनको इनको प्लस किया गया है, फिर -1 करके डिवाइड 2 किया गया है। सेम इसी पैटर्न से हमने यहाँ पे अपना आंसर निकाला जो कि 12 है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कभी कभी आगे का पूछते हैं, कभी कभी पीछे का पूछते हैं, तो यहाँ पे हमें पीछे, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पीछे पूछा था, पीछे जा रहे थे हम लोग, वैसे यहाँ पे भी हमें चेक करना है। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को है रविवार, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या दिन था। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 23 को क्या है, 23 को क्या था, रविवार, यानी कि 23 को रविवार है, तो 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार होगा, 2 सप्ताह पहले भी रविवार ही होगा, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 40 सप्ताह बाद भी रविवार ही होगा, सिंपल है, 100 सप्ताह बाद भी रविवार, पहले रविवार ही होगा। ठीक है, 4 सप्ताह पहले भी रविवार ही होगा, क्योंकि पता है 7 दिन का गैप होता है, तो अगर 23 को यहाँ पे है रविवार, ठीक है, 23 को है रविवार, तो 2 सप्ताह पहले भी तो रविवार ही होगा, 1 सप्ताह पहले रविवार, 2 सप्ताह पहले रविवार, उसके बाद रविवार है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रविवार है 2 सप्ताह पहले, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या होगा, जब 2 सप्ताह पहले रविवार है तो 1 दिन पहले क्या होगा, शनिवार, ठीक है, शनिवार, 2 दिन पहले क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, 3 दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे, और 4th दिन हमारा क्या होगा, बुधवार, और यही है हमारा आंसर, और बुधवार हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, सिंपल कैसे सॉल्व किया गया, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए 23 तारीख को क्या था, रविवार, ठीक है, रविवार, तो 2 सप्ताह पहले भी तो रविवार ही होगा, ठीक है, यहाँ भी रविवार और यहाँ भी रविवार, ठीक है, 2 सप्ताह पहले हमारा रविवार आ गया है, तो 4 दिन पहले क्या होगा, 1 दिन पहले क्या होगा, शनिवार, ठीक है, 2 दिन पहले क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है, फिर 3 दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और जो हमारा पूछा है 4 दिन पहले क्या होगा, वो होगा बुधवार, थर्सडे के पहले क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार के पहले क्या आता है, बुधवार, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और ये हमारा आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उनको आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।